एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीजीआई रोहतक के बारे में। पीजीआई रोहतक बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल पोस्ट बेसिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर न्यू ऑफिशियल न्यूज़ आप लोगों के लिए आ चुकी है, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए एडमिशन हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं, ये आप लोग जान लें। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है एडमिशन के टाइम पे, या फिर किसी भी चीज़ में आप लोगों को ये लगता है कि ये चीज़ मुझे पता नहीं है, या फिर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है अप्लाई करने में कुछ भी, तो आप लोग जो है यहाँ पर एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इनसे बात कर सकते हैं। एंड जो टाइमिंग रखा गया है वो 10 AM से लेकर 6 PM तक रखा गया, मंडे से फ्राइडे तक। एंड सेकेंड जो चीज़ है स्टूडेंट्स, आज 7 अक्टूबर है, आज जो है रात के 12 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं CET के लिए, दैट इज़ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए। 12 बजे के बाद जो लिंक है वो अपने आप यहाँ पर डिसमिस हो जाएगा। तो आप लोगों ने अगर अप्लाई नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलो जान लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए नेक्स्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो अप्लाई करने के तुरंत यहाँ पर नेक्स्ट डे ही आप लोगों को एक और काम करना होगा स्टूडेंट्स। आप लोग देख सकते हैं हम हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, एंड यहाँ पर जो रहेगा ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी है। जैसे कि आप लोगों को पता है लास्ट डेट जो है वो सबमिशन की जो रहेगी वो अपनी एक्सटेंड कर दी गई थी 7 अक्टूबर को। एंड जो न्यू इन्फॉर्मेशन जो आई है स्टूडेंट्स, वो है एडिटिंग से रिलेटेड। एडिटिंग इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन द 8 अक्टूबर 2021। स्टूडेंट्स 8 अक्टूबर 2021 को आप लोग जो है अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग से अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों को एडिटिंग में करना क्या होगा, अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम हो गई थी, आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन गलत भर दी, जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हम लोगों ने जो है बेसिक बीएससी नर्सिंग की जगह पोस्ट बेसिक फिल कर दिया, तो वो उनको जो है पोस्ट बेसिक में अभी उन्होंने अप्लाई कर दिया, तो बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए उन्होंने अप्लाई नहीं किया है। तो बीएससी नर्सिंग के लिए आप लोगों को अप्लाई करना होगा बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, तो वो आप लोगों ने मिस यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया, तो उसके लिए आप लोग करेक्ट कर सकते हैं 8 अक्टूबर 2021 को स्टूडेंट्स, मतलब कल ही। एंड आप लोगों को के पास सिर्फ एक ही दिन होगा एडिटिंग के लिए, तो आप लोग जो है ज़रूर इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा कि आप लोग कल यानी कि 8 अक्टूबर 2021 को एडिट कर पाएँ अपने फॉर्म को, ठीक है। अगर आप लोग 8 अक्टूबर 2021 को एडिट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर देन बिल्कुल भी आप लोगों को दोबारा चांस नहीं मिलने वाला। देन जो भी आप लोगों का फॉर्म हो रहेगा वो यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। आज अप्लाई करने की लास्ट डेट है, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो 11:59 PM तक आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। एंड कल आप लोगों को जो है यहाँ पर कल यहाँ पर मॉर्निंग में जो है 12 AM से स्टार्ट होकर आप लोग जो है 12 PM तक जो है सेम 11:59 तक जो है आप लोग एडिटिंग कर पाएंगे। पूरा आप लोगों के पास 8 अक्टूबर जो है पूरा दिन रहने वाला है, आप लोगों के पास 24 hours होंगे एडिटिंग के लिए, अगर आप लोग एडिटिंग करना चाहते हैं तो। एंड उसके साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि एग्ज़ाम डेट जो रहेगी वो बहुत ही जल्दी अनाउंस होने वाली है, विल बी अनाउंसड सून, बहुत ही जल्दी अनाउंस की जाएंगी। तो ये यहाँ पर न्यूज़ फ्लैश यहाँ पर रिवाइज जो कि निकाली गई थी ऑफिशियल वेबसाइट पर, मैंने आप लोगों को बता दिया। मिलेंगे कि नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। थैंक यू।